तो इधर क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ऐसा बता रहा है अपने पास, प्रवीण एंड दीपक वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब कौन से फॉर्म में शेयरिंग कर रहे हैं, 3:1 के हिसाब से शेयर कर रहे हैं, एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 ऑन विच डेट आकाश इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द फॉर्म, मतलब आकाश जो है बिजनेस के अंदर क्या हो गया फिर एज अ पार्टनर के फॉर्म में नॉर्मली क्या हो रहे थे बिजनेस के अंदर एडमिट हो. देन आगे देखो क्या बोल रहा है अपने पास है. सो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब बैलेंस शीट दिया अपने को 31 मार्च 2019 का, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल ये दोनों चीज किधर आएगा आपके बैलेंस शीट लायबिलिटीज आएगा, देन रिजर्व फंड किधर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा, देन आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी रहेगा आपका लायबिलिटी. जब तक तुम लोग पे नहीं करते फीस तब तक वो आउटस्टैंडिंग होता है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी के जैसे सेम एज इट इज आपका आउटस्टैंडिंग. अब उसके बाद देखो प्रवीण एंड दीपक कैपिटल दिया, मतलब ये किधर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा. देन आफ्टर मेडिस नॉर्मली देखो डेटर्स स्टॉक बिल्स रिसीवेबल पैटेंट एंड मशीनरी ये सब क्या है असेट्स है, मतलब ये जाएगा तुम्हारा किधर की बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा. कैश के लिए अपने को कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, समय मारे कैश के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा. देन आगे देखो क्या करके बोलते हैं दे एडमिटेड संदीप, ओके उन लोग ने इसको एडमिट किया बिजनेस के अंदर से. इधर एक मिस्टेक दिया अपने को, प्रवीण दीपक वे पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 करके बोलते हैं. ऑन विच डेट, ओके ये डेट पर मतलब किस डेट पर किसको एडमिट किया आकाश को एडमिट किया एज अ पार्टनर करके. बट इधर देखो नॉर्मली क्या नाम दिया अपने को संदीप करके बोल, क्या नाम करके बोल रहे हैं संदीप. एक्चुअली इधर प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा, ये वाला आकाश करके जो लिखा ना ये प्रिंट मिस्टेक, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट क्वेश्चन में आकाश था, इधर नॉर्मली क्या करके करेक्शन करो संदीप करेक्शन, क्या करके करेक्शन करो संदीप करो. देन मतलब एक्चुअली संदीप को एडमिट किया एज अ पार्टनर ऑन न्यू पार्टनर ऑन 1st April 2019 के हिसाब से. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अग्रीड ओके 3:2, 2:3 एंड संदीप ब्रिंग्स नॉर्मली कितना कैपिटल आ रहे हैं 96,000 रुपीज का कैपिटल ला रहे हैं. कितना ला रहे हैं 96,000 का क्या ला रहे थे कैपिटल का ला रहे हैं और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने पास दे दिया, ओल्ड रेशियो भी अपने पास. देन उसके बाद देखो संदीप पेड़ ओके क्या बोल रहे अपने पास संदीप पेड़ 32,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब नॉर्मली क्या करके बोल रहे थे संदीप जो है नॉर्मली गुडविल के लिए कितना ले रहे थे 32,000 पेड किया एज प्राइवेटली टू द पार्टनर. मतलब इधर ये एक सेंटेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पार्टनर्स को बिजनेस के अंदर दे रहे क्या नहीं, दोनों पार्टनर को क्या कर रहे थे प्राइवेटली पे कर, मतलब दोनों पार्टनर को अलग अलग पे कर रहे 32,000 पे कर रहे. मतलब ये एंट्री आएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ये एंट्री जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि पार्टनर्स को ये जो गुडविल पे कर रहे हैं कैसे पे कर रहे हैं प्राइवेटली पे कर, समय मारे. देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 4,000, पहले कितना अमाउंट था 10,000 का, मतलब वो कितने तक रिड्यूस हुआ रिड्यूस्ड बाई 4,000 कम हुआ करके बोलते हैं. देन उसके बाद देखो अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यू, मतलब बिजनेस के अंदर एक चीज एंट्री नहीं किया अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यू 48,000 एंड नॉट अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म इट इज नाउ रिकॉर्ड, मतलब अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है तो उसे रिकॉर्ड करना है. देन आगे देखो क्या बोल रहे हैं द पैटर्न्स आर यूजलेस, मतलब पैटर्न्स जो है अभी अपने पास पैटर्न्स दिया ना ये वाला पैटर्न्स अभी वो उसका कुछ काम नहीं है करके अपने को बता दें, मतलब उसको अपन डिडक्ट करना है समय माने. देन प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट अपने को बनाने के लिए बोलते हैं. फटाफट फॉर्मेट बनाओ आप लोग जल्दी फॉर्मेट बनाने और आप लोग का कम लिखो फटाफट फॉर्मेट बना के. देखो मैं रीड कर लूँ उनका ओल्ड रेशियो दिया 3:1 दिया, क्रेडिटर्स दिया अपने पास क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना मिलते हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों चीज उधर ही लिखेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऊपर से मनी का बोटा फोर लाइंस को तोड़ के लिखो क्रेडिटर्स ओके क्या दिया अपने पास है क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है 60,000 आउटर कॉलम में डालेंगे. देन उसके बाद बिल्स पेबल दिया अपने पास है सो मैडियस उसके नीचे लिखेंगे बिल्स पेबल ओके बिल्स पेबल नॉर्मली कितना अमाउंट दिया आपने पास 22,000 दे दिया सो मैंने लिखा इधर 2,000 क्रेडिटर्स को भी लिख दिया मैंने. देन उसके बाद अपने पास रिजर्व फंड दिया सो रिजर्व फंड किधर आएगा फिर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा. पहला एक लाइन छोड़ के लिखना है आपको बाई रिजर्व फंड क्या लिख रहा हूँ मैंने इधर से रिजर्व फंड ओके रिजर्व फंड. अभी ये जो चीज़ है नॉर्मली ओल्ड रेशियो के हिसाब से क्या होगा रिजर्व फंड जो है शेयर होता है
3:1 है. नॉर्मली अपने पास रिजर्व फंड कितना अमाउंट है 32,000, मतलब नॉर्मली क्या रहेगा 32,000 इंटू 3/4. सो कितना हो गया 24,000. सेम एज इट इज कितना अमाउंट का रिजर्व फंड 32,000 इंटू क्या रहेगा फिर उनका शेयर नेक्स्ट फंड का शेयर कितना है फिर 1/4 है. समय मारे 32,000 इंटू 1/4 तो कितना हो गया 8,000. ये समय में आया तुम लोग को रिजर्व फंड को कैसे बेफिकेशन किया मैंने ओल्ड रेशियो के हिसाब से दोनों ओल्ड पार्टनर को नॉर्मली उनके शेयर को मैंने क्या किया फिर बेफिकेशन किया. देन आफ्टर अभी मैंने आगे क्या कर रोके नेक्स्ट वन अपने पास दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरी किधर आएगा तुम्हारा फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में आएगा. सो इधर नॉर्मली बिल्स पेबल के नीचे लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी. ओके आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना अपने पास है 6,000. सो डायरेक्टली ऑर्डर कम में डालू कोई एडजस्टमेंट नहीं है. देन उसके बाद अपने पास दिया कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट किधर आएगा कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में फर्स्ट लाइन पे आएगा बाई कैपिटल अकाउंट. सो कितना अमाउंट है 1,20,000. देन आफ्टर 40,000. देन ये हो गया तुम्हारा कौन सा फिर लाइबिलिटी साइड है. देखो लाइबिलिटी साइड में मैंने कैपिटल कैपिटल अकाउंट करके नहीं आएगा क्या रहेगा फिर बाई बैलेंस आएगा बैलेंस कैरेज लोन आएगा ना ओपनिंग बैलेंस बैलेंस कैरेज लोन अकाउंट भी नहीं आएगा इधर द बैलेंस ब्रॉड डाउन. ओके द बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस को लिखते तो आपको कंपल्सरी क्या करके वर्ड यूज करना है द बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,20,000 एंड दीपक का कॉलम में 40,000 का अमाउंट लिखा मैंने. देन आफ्टर नेक्स्ट देखो अपने पास क्या करके बोलते हैं डेटस. सो डेटस नॉर्मली क्या आएगा फिर बैलेंस शीट असर साइड में. सो ऊपर नॉर्मली कैसा दो तीन लाइन छोड़ के लिखो मैंने डेटस करके डेटस का अमाउंट. ओके डेटस के ऊपर अपने पास नॉर्मली क्या है फिर एडजस्टमेंट है. ओके डेटस के ऊपर क्या अपने पास है एडजस्टमेंट है. सो मैं नॉर्मली डेटस को इनर कॉलम में लिखवा मैंने कितना अमाउंट है डेटस का अमाउंट. डेटस का जो अमाउंट है नॉर्मली 1,50,000 इनर कॉलम में लिख दिया मैंने. देन आफ्टर एक लाइन छोड़ के लिखना है नेक्स्ट क्या दिया अपने पास स्टॉक दिया. तो स्टॉक को भी नॉर्मली कैसे स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है एक बार चेक कर लेते फिर 60,000 का स्टॉक दे दिया. एक्चुअली स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्टली अपने ऑर्डर कॉलम में डाल. ओके स्टॉक का वैल्यू कितना अपने पास है 60,000 डायरेक्टली मैंने क्या कर दूँ 60,000 ऑर्डर कॉलम में डाल दिया. देन आफ्टर देखो मेड इज नॉर्मली पैटर्न. सो एक्चुअली पैटर्न जो है नो लॉन्गर रिक्वायरमेंट करके बोल रहे. सो तो भी अपन नॉर्मली पैटर्न को मैंने ऑन फर्स्ट लाइन पर लिखा मैंने एज अ पैटर्न. ओके पैटर्न पैटर्न कितना अमाउंट है अपने पास इंदोर कॉलम में लिखा मैंने पैटर्न के ऊपर भी एडजस्टमेंट है कितना अमाउंट है 2,000. सो मैं डे और एक आइटम का अपन बोल गया बिल्स रिसीवेबल. सो बिल्स रिसीवेबल स्टॉक के नीचे लिखा मैंने बिल्स रिसीवेबल. ओके रिसीवेबल कितना अमाउंट है बिल्स रिसीवेबल का डायरेक्टली ऑटो कॉलम में लिखेंगे इसे बिल्स रिसीवेबल को कितना अमाउंट है 20,000 क्योंकि उसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट ये नहीं है. देन उसके बाद मशीनरी दिया अपने पास मशीनरी को मैं फर्स्ट लाइन पर लिखा मैंने मशीनरी सॉरी अपने को इधर नॉर्मली कैसा है पैटर्न के इधर नॉर्मली कैसा है एक लाइन चाहिए अपने को इधर मैं एक लाइन इंस्टॉल कर लूँ. सो इधर लिखो मैंने मशीनरी क्योंकि पैटर्न के ऊपर कैसा एडजस्टमेंट है तो इसके लिए नॉर्मली कैसा एक लाइन छोड़ के लिखा हूँ मशीनरी. सो कितना अमाउंट है मशीनरी का वैल्यू 80,000 मैंने इन कॉलम में लिखा क्योंकि मशीनरी के ऊपर आई थिंक सो एडजस्टमेंट है एक बार चेक कर लेते अपन मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या एक्चुअली देखना है तो मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में डाल देते मशीनरी को क्या करते फिर डायरेक्टली अपन नॉर्मली ऑर्डर कॉलम में डाल देगा क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट जो है नहीं. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिया अपने पास है कैश दिया. तो कैश कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड तो डेबिट साइड में जाएगा. कैश अकाउंट बनाया मैंने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे देखो बाई टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. ओके ब्रॉड डाउन करके लिखा मैंने कितना अमाउंट था 8,000 लिखा 8,000. देखो बैलेंस शीट के अंदर आप लोग को कुछ डाउट है क्या एक बार देखो बैलेंस शीट का पोस्टिंग मैंने नॉर्मली कैसे है ऐसा किया पहला आपको ओपनिंग बैलेंस लिखा मैंने क्रेडिट साइड में देन उसके बाद रिजर्व फंड लिखा बैलेंस शीट के आइटम में से देन उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा मैंने पैटर्न को लिखा इनर कॉलम के अंदर मशीनरी का ऑर्डर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं
डेटर्स को भी इन आउटर कॉलम में लिखा, एडजस्टमेंट है, स्टॉक को भी मैं आउटर कॉलम में लिखा, एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्स पेबल को भी आउटर कॉलम में लिखा, ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल सारी ऑप्शन। अभी देखो दे एडमिटेड संदीप एज अ न्यू पार्टनर ऑन अ प्रोस्पेक्टिव टर्म 19, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड 3:2:3, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2:3, द संदीप ब्रिंग्स 96,000 एज अ कैपिटल, मतलब संदीप क्या कर रहे थे 96,000 रुपीज का कैपिटल आ रहा है, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय कैश और बैंक अकाउंट करके लिखेंगे अपन, बाय कैश और बैंक अकाउंट करके लिखो, मैंने बोल बाय कैश और बैंक अकाउंट कितना अमाउंट है 96,000, और कॉलम संदीप के कॉलम में लिखेंगे 96,000 उनका, और एक एफिट कितना आएगा फिर कैश के डेबिट साइड में, कैश के डेबिट साइड में टू, ओके संदीप कैपिटल, ओके संदीप कैपिटल कितना अमाउंट है 96,000 डायरेक्टली ऑटो कॉलम में डाले, ओके देन उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिया अपने पास है, देखो पहला एंट्री हुआ, पहले एंट्री मैंने किधर किधर किया, मैंने पहले एंट्री एक तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में किया 96,000 ओपनिंग कैपिटल में जो संदीप ला रहे, देन उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा, ओके संदीप ने पे किया इसके समय में आ रहे, देन अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 4,000, मतलब देखो अपने पास नॉर्मली ऐसा बता रहे हैं रिड्यूस्ड बाय 4,000, मतलब इसकी मीन्स क्या होता है कि 4,000 रुपीज क्या हो गया फिर कम, 4,000 रुपीज क्या हुआ फिर कम हुआ, मतलब ऐसा है 4,000 पे मतलब अभी अपने को रिकवरी होने वाला है, समय मारे 4,000 रुपीज क्या हो रहे थे रिकवरी होने वाला है, तो पहले अपने पास देखो नॉर्मली आरडीडी कितना था, आरडीडी पहले अपने पास कितना था आरडीडी 10,000 था, आरडीडी देखो इधर 10,000 दे दिया अपने को, मतलब अभी वो आरडीडी कितना हो गया फिर ओनली 6,000, इधर क्या करेंगे लेस आरडीडी कितना अमाउंट है 6,000 का, अगर मैं लेस कर दूँ मैंने क्या करूँगा इधर 6,000 का अगर मैंने लेस कर दूँ सो तो नॉर्मली मेरे पास क्या रहेगा फिर इधर 6,000 रुपीज को मैंने क्या कर लो फिर इसमें से लेस करके सॉल्व कर दूँ, मैंने 6,000 का अगर लेस किया तो नॉर्मली कितना रहेगा फिर 1,00,000 में से 6,000 का अगर मैं डिडक्ट किया तो नॉर्मली कितना आएगा 94,000 बचेगा, अब इसका और एक इफेक्ट कितना आएगा फिर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्योंकि अपने लिए प्रॉफिट है, तो इधर क्या लिखेंगे भाई आरडीडी करके लिखेंगे कितना अमाउंट है डायरेक्ट ऑटो कॉलम में 4,000, समझाइए आरडीडी में से 4,000 कम करने पर 6,000 बचे 10,000 रहेगा, ओके। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपने पास, अनरिकॉर्ड कंप्यूटर वैल्यू डेटा 4,800 नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म इट इज नाउ टू बी रिकॉर्ड, मतलब एक कंप्यूटर था उसको बुक्स ऑफ फर्म्स में एंट्री नहीं, समय मारे तो ये भी अपने लिए क्या है फिर एक एसेट है, तो एसेट बढ़ जाए तो नॉर्मली क्या करेंगे फिर इधर सो इधर मैंने नॉर्मली क्या कर लो फिर इधर लिखो मैंने बाय कंप्यूटर ओके मैंने क्या करके लिखा इधर मैंने कंप्यूटर करके लिखा मैंने कितना अमाउंट है कंप्यूटर का 4,000 डायरेक्टली ऑटो कॉलम इतना असेट बढ़ गया, तो जब असेट बढ़ता है तो आपको तो क्रेडिट साइड लिखना है कंपल्सरी याद रखने का रिवैल्यूएशन पे, तो इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर बैलेंस शीट में शो करेगा, तो नॉर्मली मशीनरी के नीचे लिखो मैंने कंप्यूटर ओके इधर लिखो मैंने कंप्यूटर करके लिखा मैंने कंप्यूटर कितना अमाउंट है 4,800 कंप्यूटर समय मारे ना क्या असेट है अपना असेट बढ़ गया, अब उसके बाद देखो इसको रिकॉर्ड कर दिया मतलब पहला रिकॉर्ड नहीं किया था अभी मैंने क्या किया फिर रिकॉर्ड किया उसे, अब देखो आगे क्या बोल रहा है अपने पास पैटर्न आप यूज मतलब पैटर्न वो है अभी यूज मतलब उसको राइटअप करने के लिए बोल रहे उसको कुछ यूज नहीं है करके बोल रहे मतलब क्या करेंगे लेस राइटअप ओके लेस राइटअप लिखा मैंने कितना अमाउंट है फिर कितना अमाउंट है 2,000 पूरा का पूरा अपन नॉर्मली क्या करेंगे माइनस कर देते हैं पूरा का पूरा माइनस किया तो उसकी वैल्यू कितना आएगा फिर जीरो मतलब इसको बोलते अपन नील समय मारे कितना अमाउंट है वो नील मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया अभी जीरो हो गया, अब इसका और एक इफेक्ट करना है तो और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर ये अपने एसेट वैल्यू डिक्रीज हुआ मतलब एसेट वैल्यू डिक्रीज हुआ तो जब नॉर्मली क्या करेंगे फिर डेबिट साइड लिखेंगे तो इधर क्या लिखेंगे टू पैटर्न कितना अमाउंट है 2,000 रुपीज, अब देखो और कोई एंट्री है क्या पूरा हो गया, अगर अपन क्या करेंगे इसमें क्लोज कर लेते हैं इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो मैंने फटाफट फटाफट क्या कर लूँ पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज कर लेता मैंने सो
रिवैल्यूएशन क्लोज करो कितना अमाउंट है, 8,800 आया। इधर भी नॉर्मली 8,800 लिखा मैंने, उसमें से माइनस किया तो नॉर्मली क्या रहेगा, 8,800 में से 2,000 का अगर डिडक्ट किया नॉर्मली कितना रहेगा, 58,000 बचेगा। देन इधर क्या करके लिखेंगे अपन से, ये अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, टू कैपिटल अकाउंट। ओके, टू कैपिटल अकाउंट, इसके नीचे कौन कौन है अपने पास, पार्टनर्स प्रवीण और एक कौन था, एक प्रवीण था और दीपक, दीपक दीपक करके लिखा, तो उनका रेशियो कितना था, 3:1 है। मतलब क्या करेंगे इसे इधर सॉल्व कर लो कि 68,000 इंटू नॉर्मली क्या रहेगा, फिर 3 डिवाइडेड एक होगा 5,100। देन और एक का क्या रहेगा, फिर 68,000 इंटू 1 डिवाइडेड 4 रहेगा, मतलब कितना हो गया, 1,700। ये समय हमारे मतलब ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, एक इधर ट्रांसफर करेंगे अपन फिर इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक का 71,000 और एक का कितना 71,000। देखो संदीप 32,000 as his share of goodwill privately to the partner, तो privately जब pay कर सकते हैं उसका कोई entry करने का जरूरत नहीं, ओके डायरेक्टली इसके लिए मैंने उसको skip कर दिया पूरा टोटल। अभी इधर इनका क्लोज कर लेते फिर पास ही बताओ, तो नॉर्मली ये कितना हो जाएगा, कुछ मारा कि 1,49,000 और एक का 49,700 है और एक का 96,000, ये तो आपको पता है। और इसको ही अपन नॉर्मली इधर लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंसेस है, तो बताओ कितना रहेगा, फिर 1,49,900 देन 49,700 देन उसके बाद 96,000, सो इसको ही अपन इधर लिख लेते हैं 96,000 देन 49,700 देन आफ्टर 1,49,100। अब इधर क्या लिखेंगे, फिर टू बैलेंस क्या रहेगा, क्या लिखेंगे टू बैलेंस क्या रहेगा, आई बोला बैलेंसिंग फिगर के भी लिखना है तो अच्छा बैलेंसिंग फिगर लिखा तो और अच्छा। अगर इसे ट्रांसफर कर लेते अपने के लिए बैलेंस शीट के अंदर, इधर लिखा मैंने इसे बैलेंस शीट में कैपिटल, इसके नीचे कौन कौन था प्रवीण, देन आफ्टर दीपक, देन उसके बाद संदीप, ओके प्रवीण का सॉरी प्रवीण का कैपिटल कितना था, 1,49,100 कितना अमाउंट था, 1,49,100 इधर लिखो मैंने 1,49,100। देन दीपक का कितना था अपने पास, दीपक का 49,700 देन उसके बाद संदीप का कितना है, 96,000। ओके इसे क्या करो, अभी टोटल करो आउटर कॉलम में डाल दो, तो टोटल करके आउटर कॉलम में डाल दो मैंने कितना रहेगा, 1,49,100 प्लस 49,700 प्लस 96,000, तो कितना हो गया, 2,94,800 हो गया, यह अपना ऑर्डर कॉलम आ गया। अब उसके बाद अपने क्या करेंगे, फिर कैश को क्लोज कर देते, अगर कैश को क्लोज किया, ये एक्चुअली अपना वर्किंग मंथ में आता ही है कैश अकाउंट, सो कैश को क्लोज किया तो नॉर्मली कितना रहेगा, 1,04,000 इधर लिखा मैंने, 1,04,000 एक मंथ बैलेंस है आपका क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस क्या रहेगा, ओके okay? और ये 1,04,000 देखेंगे बैलेंस शीट में पोस्ट कर देते हैं, इधर बिल्स रिसीवेबल के नीचे कैश अकाउंट, ओके 1,04,000। अभी इसे टैली कर देते हैं, तो नॉर्मली मैंने क्या करो, इसे टैली कर देता हूँ, टैली किया तो 3,00,000
62,800 और इधर भी इसके भी अपन क्लोज कर लेते थे कितना अमाउंट हो गया 3,62,800। इसके अंदर कोई किसी को डाउट है दोनों अमाउंट टैली हो। इसके अंदर कोई किसी को डाउट है क्या? देखो एक बार इसके अंदर कोई किसी को डाउट है क्या?